शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में एक विषय आया था कि भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में उत्सर्पणी और अपसर्पणी इन छह कालों के द्वारा आयु बल अवगाहना आदि में वृद्धि और ह्रास होता है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि यहाँ कुछ परिवर्तन भी होते हैं, सदा एक सा ही काल रहता है। उसके उत्तर में आचार्य ने ये सूत्र दिया था, सूत्र नंबर 27। प्रश्न ये आया था, भरत और ऐरावत क्षेत्र में छह काल उत्सर्पणी अपसर्पणी के किस प्रकार होते हैं और ये परिवर्तन कहाँ होता है, इस संबंध में आपको अब बोर्ड पे हम बताते हैं। भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में अपसर्पणी के छह काल और उत्सर्पणी के छह काल होते हैं। देखें, ये अपसर्पणी के छह काल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अपसर्पणी का मतलब होता है जिसमें आयु शरीर की अवगाहना शक्ति घटती जाए। यहाँ छठे काल के अंत में ये जो डबल लाइन दिखाई है, इसका मतलब होता है यहाँ प्रलय होती। प्रलय में क्या होता है, प्रलय में पहले 7 दिन के साथ खराब और ठंड होकर अग्नि की वर्षा, विष की वर्षा आदि, और इसके बाद ये 49 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो श्रावण वधि एकम से अच्छी अच्छी 7-7 दिन की 7 वर्षाएं होती हैं। ये उत्सर्पणी के प्रारंभ यहाँ से हो जाता है, श्रावण वधि एकम से। अवसर्पणी के अंत में खराब खराब वर्षाएं होती हैं, उत्सर्पणी के प्रारंभ में अच्छी अच्छी 7 वर्षाएं 7-7 दिन की होती। तब क्या होता है, उसके बाद उत्सर्पणी का पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, उत्सर्पणी के ये 6 काल होते हैं। इन 6 कालों में जीवों के शरीर की अवगाहना, आयु और बल बढ़ता बढ़ता जाता है यहाँ तक, और यहाँ से फिर घटना प्रारंभ होता है तो घटता घटता जाता है। जैसी प्रलय यहाँ होती है ऐसी प्रलय यहाँ नहीं होती, बस प्रलय एक ही बार होती है। विशेष बात क्या है, इसका वर्णन तो बहुत है, आप शास्त्रों से पढ़ना, संक्षेप में आपको बता रहा हूं। ये पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा, ये सुखमा, ये सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा तुखमा। ये 5, ये 6 जो उत्सर्पणी के काल हैं, इनका नाम इनसे उल्टे चलते हैं, दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा, इस तरह 6 काल। इनमें क्या होता है कि ये 1, 2 और तीसरा, ये 3 काल ये भोग भूमि के काल हैं। ये उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। इसी तरह ये जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। अवसर्पणी का ये चौथा काल विशेष होता है। इस चौथे काल में 63 शला का पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, पृथ्वीनारायण सब इसमें होते हैं। और इधर ये जो तीसरा काल है ये विशेष होता है, इसमें 63 शला का पुरुष इसमें होते हैं। ये 3 काल भोग भूमि के हैं, ये ये ये, और ये 3 काल कर्म भूमि के हैं, 3 इधर और 3 इधर। इनमें
जीवों की आयु, जीवों की अवगाहना आदि के बारे में शास्त्रों में विशेष वर्णन है। ये भोग भूमि क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ जीवों को कार्य नहीं करना पड़ता, कल्प वृक्षों से सारी सामग्री मिलती है और वे सुखों का भोग करते हैं। ये भोग भूमि। और ये कर्म भूमि में जीवों को अपनी आजीविका आदि के लिए उद्योग करना पड़ता है और आजीविका का साधन जुटा के वो लोग जीवित रहते हैं। इसलिए ये कर्म भूमि, ये कर्म भूमि, ये भोग भूमि और ये भोग भूमि, इसे कहते हैं काल चक्र। अवसर्पणी के छह काल, उत्सर्पणी के छह काल। आचार्य ने क्या लिखा सूत्र में? भरतई रावत योर वृत्ति राशौ। पहला सूत्र देखिए, भरतई रावत योर वृत्ति राशौ शत समयाभ्याम उत्सर्पिण व सर्पणीभ्याम। अर्थात भरत एरावत इन दो क्षेत्रों में अपसर्पणी और उत्सर्पणी के छह कालों के द्वारा रास और वृद्धि होती रहती है, आयु, बल, अवगाहना आदि में। ये कब से चल रहा है? ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। वर्तमान में अपसर्पणी का पंचम काल चल रहा है, इसके बाद छठा काल आएगा, फिर प्रलय होगी। इनका समय कितना होता है? ये चार कोड़ाकोड़ी सागर, तीन कोड़ाकोड़ी, दो कोड़ाकोड़ी सागर, ये 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष। इनसे विपरीत ऐसे लगा लेना चाहिए, 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दो कोड़ाकोड़ी सागर, तीन कोड़ाकोड़ी सागर और चार कोड़ाकोड़ी सागर। सही पूछे तो एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ाकोड़ी सागर का और एक उत्सर्पणी काल भी 10 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। पूरा काल जोड़ा हमने तो कितना हो गया? 20 कोड़ाकोड़ी सागर। इस 20 कोड़ाकोड़ी सागर को हम कहते हैं, हाँ, एक कल्प काल। ये 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल कहलाता है। वर्तमान में ये पंचम काल चल रहा है, लेकिन एक विशेषता है कि ये हुंडाप्सर्पणी का काल है। हुंडाप्सर्पणी क्या होती है? असंख्यात कल्प काल के बाद एक हुंडाप्सर्पणी काल आता है जिसमें बहुत सी गलत बातें होती हैं। जैसे तीसरे काल में तीर्थंकर भगवान हुए, तीसरे काल में जन्म हुआ, मुक्ति भी हो गई उनकी, चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना आदि, ये होते हैं। तो वर्तमान में ये हुंडाप सर्पणी काल चल रहा है, हुंडाप सर्पणी उसका पंचम काल है। इस प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्रों में अपसर्पणी के छह काल और उत्सर्पणी के छह काल के द्वारा जीवों की अवगाहना, आयु और बल में घटना और बढ़ना होता रहता है। प्रश्न हुआ था कि क्या भरत क्षेत्र में, पूरे भरत क्षेत्र में छह कालों का परिणमन होता है या नहीं? इसके लिए इस नक्शे को जरा ध्यान से देखें। ये भरत क्षेत्र का नक्शा है, ये हिमवत पर्वत है। यहाँ हिमवत पर्वत में ये पद्म नाम का तालाब है, ये गंगा नदी है और ये सिंधु नदी है, ये नीचे लवण समुद्र है। जो हमारा दूसरा नक्शा था ना, उसको हमने यहाँ बड़ा करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको छह खंड अच्छी तरह मालूम पड़ जाए। इनमें क्या है? भरत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीचों बीच में ये एक विजयार्थ पर्वत है, ये वाला, ये विजयार्थ पर्वत है, ये भरत क्षेत्र के बीचों बीच में सेंटर में होता है। इस विजयार्थ पर्वत के पड़ जाने से और गंगा और सिंधु के निकल जाने से इस भरत क्षेत्र के छह खंड हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4,
पांच और छह। फिर एक बार समझें, ये हमने भरत क्षेत्र का नक्शा बनाया, यहां से और यहां तक ये 526 से 6/19 योजन है। इस भरत क्षेत्र के नक्शे में ये विजयार्थ पर्वत है और ये हिमवन पर्वत है, इधर लवण समुद्र है। अब इस पद्म तालाब से ये गंगा नदी निकली और ये सिंधु नदी निकली। गंगा और सिंधु नदी और विजयार्थ पर्वत के द्वारा इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। आर्य खंड एक है, म्लेच्छ खंड 5 है, 3, 4, 5। हम वर्तमान में कहां है? हम वर्तमान में इस आर्य खंड में है। पूरी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान सब इस समय इस आर्य खंड में है। इसके अंदर पूरा विश्व आता है, ये हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। विशेष बात, इन 5 म्लेच्छ खंडों में जो षट कालों का परिवर्तन होता है वो नहीं होता। इनमें तो चतुर्थ काल का ऊपर से नीचे तक उतना ही चलता रहता है, लेकिन 6 काल रूप इनमें परिवर्तन नहीं होता। 5 म्लेच्छ खंडों में पहला, दूसरा, तीसरा काल, भोग भूमि और कर्म भूमि, ये सारा आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। एक बात जरा और समझ लें, कहते हैं चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, तो 6 खंड कौन से हैं? ये 6 खंड हैं। भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती हुए थे महाराजा भरत, उन्होंने इन 6 खंडों को जीता था। लेकिन जो नारायण प्रतिनारायण होते हैं वो इन 3 खंडों को नहीं जीतते, वो तो 1, 2, 3 इन 3 ही खंडों को जीतते बस, इसलिए वो अर्धचक्री कहे जाते। ये आधे चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, इन्होंने मात्र 3 खंड ही जीते। इस पर्वत का नाम क्या है? विजयार्ध, विजय अर्ध। यहां तक चक्रवर्ती आदि की आधी विजय मानी जाती है, 3 जीत लिए तो आधी विजय हो गई, नाम पड़ा विजयार्ध। नाम भी तो बड़े मतलब वाले होते हैं। इस तरह ये 6 खंड हैं। एक प्रश्न और भी देख लें, चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीत लेता है तो अपना नाम लिखने के लिए विश्वाचल पर्वत पर जाता है। वो विश्वाचल पर्वत कहां पे है? वो यहां, ये विश्वाचल है, ये म्लेच्छ खंड में है, ये विश्वाचल म्लेच्छ खंड में है। चक्रवर्ती जीत के यहां पहुंचता है, यहां अपना नाम लिखता है। इस तरह आज हमने क्या देखा कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो 6 कालों के उत्सर्पणी और अपसर्पणी के द्वारा घटना और बढ़ना होता है, आयु बल अवगाहना आदि में, वो इस प्रकार होता है। भोग भूमि और कर्म भूमि ये पूरा हमने समझा, और हमने ये भी समझा कि ये षटकाल रूप परिवर्तन ये सिर्फ आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। और हमने ये भी समझ लिया कि भरत क्षेत्र के 6 खंड विजयार्ध और गंगा और सिंधु नदी के कारण होते हैं, उनमें 5 म्लेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। इस तरह मैं समझता हूं कालचक्र और 6 खंडों के बारे में स्पष्टीकरण पूरा हुआ। म्लेच्छ खंड और विजयार्ध पर्वत के बारे में बता रहे थे, तो केवल म्लेच्छ खंड और विजयार्ध पर्वत का कैसा काल रहता है? आर्य खंड में जब पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है तो म्लेच्छ खंडों में और विजयार्ध पर्वत पर जीवों की अवगाहना 500 धनुष और आयु 1 कोटि पूर्व रहती है। जब भरत क्षेत्र के आर्य खंड में चौथे काल में जीवों की अवगाहना 500 धनुष से घटती 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 7 हाथ तक आती है, उस समय म्लेच्छ खंडों में
और गिरजात पर्वत के ऊपर भी 500 धनुष से घटते 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 7 हाथ तक आती है। उसके बाद जब आर्यखंड में 7 हाथ से घटना प्रारंभ होता है, पांचवें काल छठे काल में या उस सर्पणी के पहले और दूसरे काल में, यहां तो 7 हाथ से घट के 1 हाथ तक और 1 हाथ से बढ़ती हुई 7 हाथ तक आती है, तब उतने 84,000 वर्षों तक, 21,000 के 4 काल हुए ना, तो 84,000 वर्षों तक वहां 7 हाथ की काया रहती है। फिर यहां जब उत्सर्पणी का तीसरा काल आता है तो फिर यहां अवगाहना बढ़ने प्रारंभ हो जाती है आर्यखंड में, तो म्लेच्छ खंडों में भी अवगाहना बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। उत्सर्पणी काल के पहले दूसरे काल में, तो दूसरे काल के अंत में 7 हाथ हो गई, उसके बाद तीसरे काल के अंत में 500 धनुष की अवगाहना हो जाती है। यहाँ भरत ऐरावत में म्लेच्छ खंडों में विजयाद पर्वतों पे भी 500 धनुष की अवगाहना हो जाती है। इसके उपरांत यहाँ फिर जघन्य भोग भूमि प्रारंभ होती है, शरीर और बढ़ने लगता है, 1 कोस 2 कोस 3 कोस, लेकिन वहां अवगाहना नहीं बढ़ती, वहां 500 धनुष की अवगाहना रहती है। कितने समय तक? उस सर्पणी के चौथे पांचवें छठे तीनों भू भूमि के कालों में और अपसर्पणी के पहले दूसरे तीसरे तीनों भू भूमि के काल में, अर्थात 9 और 9 18 कोणाकोणी सागर तक वहां 500 धनुष की अवगाहना और 1 कोटि पूर्व आयु वाले मनुष्य होते हैं। इसीलिए तो जैसा यहाँ चौथे काल में चक्रवर्ती आदि का घटता बढ़ता हुआ शरीर था, उसी तरह म्लेच्छ खंडों में और ब्रजाग पर्वतों पर उसके समान ही अवगाहना रहती है। इसीलिए चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में 32,000 रानियां आर्यखंड की, 32,000 म्लेच्छ खंड की और 32,000 ब्रजाग पर्वत से आती हैं। क्यों? क्योंकि तीनों जगह समान अवगाहना, समान आयु और समान शक्ति चलती है। इस कारण क्या तात्पर्य हुआ, सभी म्लेच्छ खंडों में और विजयाद पर्वत के ऊपर 500 धनुष से ऊंची अवगाहना और 7 हाथ से धनुष अवगाहना नहीं होती, चौथे काल का घटता बढ़ता वाला क्रम वहां हमेशा बना रहता है, चौथे काल से नीचे नहीं जाता, चौथे काल से ऊपर नहीं होता, ऐसा वहां हमेशा रहता है। म्लेच्छ खंडों में भी ऐसा ही होता है। शेष भूमियां, शेष क्षेत्रों में क्या होता है, भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात तो आपने बता दी, अब शेष क्षेत्र जो बचे न बचे ना, और हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, इनमें क्या होता है, तो आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता। अर्थ देखें, ताभ्याम उन दोनों के, अपरा माने अलावा, भूमियो माने अन्य सभी भूमिया अर्थात क्षेत्र, अवस्थिताः जैसे के तैसे रहते हैं, अवस्थित माने उनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे के तैसे रहते हैं। फिर एक बार देखें, ताभ्याम उन दोनों के, अपरा माने अलावा, अन्य भूमिया अवस्थिताः बिना किसी परिवर्तन वाली अर्थात जैसी की तैसी रहती हैं, अर्थात हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्रों में काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रश्न ये रहता है, जिन क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता, उन क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु वगैरह कैसी रहती है, तो अगला सूत्र देखें, एकद्वि त्रिपर्योपम स्थितयो हैमवतक
हारि वर्षक दैव कुर्वका। बोलिए सूत्र का अर्थ देखें। एक दो और तीन पल्योपम पल्य स्थितियो स्थिति वाले होते हैं। कौन? हैमवतक क्षेत्र वाले, हारिवर्षक हरि क्षेत्र वाले, और दैव कुर्वकाः देव कुरु वाले। अर्थात हैमवत क्षेत्र में जो जी रहे हैं उनकी आयु एक पल्य, हारिवर्षक हरि क्षेत्र वालों की दो पल्य, और देव कुरु वालों की आयु तीन पल्य होती है। हमेशा होती है? हाँ हमेशा होती है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात और अच्छी तरह समझ लें, हैमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि, हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, और देव कुरु में सदैव उत्तम भोग भूमि हमेशा रहती है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, इनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। पंडित जी आपने जो भी क्षेत्रों के नाम बताए साहब, उनमें ये देवगुरु तो आया नहीं, तो फिर ये देवगुरु कौन सा क्षेत्र हुआ? देवगुरु की जानकारी आपको हम नक्शे पे देते हैं। आइए देखिए, ये बीच वाला हिस्सा ये पूरा विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में ये सुदर्शन मेरु है। इस सुदर्शन मेरु के इतने हिस्से में, ये जो हिस्सा दिया हुआ है, इस हिस्से में आप ये और ये दो गोल गोल क्षेत्र देख रहे हैं। ये नीचे वाला क्षेत्र ये देव कुरु है, और ये वाला क्षेत्र उत्तर कुरु है। ये विदेह क्षेत्र के एक हिस्से हैं। इनमें कर्म भूमि नहीं रहती। तो यहां क्या रहता है? इसमें लिखा है उत्कृष्ट भोग भूमि। ये उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है। इसमें जो आपने पूछा ना देवकुरु क्या होता है, ये देवकुरु क्षेत्र ये क्षेत्र है जिसमें उत्तम भोग भूमि रहती है। जो सूत्र भी हम हुआ था उसको भी हम थोड़ा समझ लें। उसमें क्या था? एक द्वित्री पल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वका। हैमवतक मतलब ये हैमवत क्षेत्र, ये तो भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बाद हिमवत पर्वत, अब इसके बाद ये क्या आया? हैमवत क्षेत्र। यहाँ कैसा रहता है? यहाँ जघन्य भोग भूमि हमेशा रहती है। लिखा है देखो जघन्य भोग भूमि, इसके बाद महाहिमन पर्वत, फिर ये आया हरि क्षेत्र, इसमें क्या रहता है? मध्यम भोग भूमि, हमेशा कोई चेंज नहीं। और विदेह क्षेत्र के इस हिस्से में ये उत्तम भोग भूमि है। इनमें जीव कैसे रहते हैं? उन्होंने लिखा ना हैमवत क्षेत्र में एक पल्ली की आयु वाले, हरि क्षेत्र में दो पल्ली की आयु वाले, और देवकुरु में तीन पल्ली की आयु वाले जीव रहते हैं। जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि, ये तीन भोग भूमिया इस तरह हैं। ये शाश्वत हैं, अनादिकाल से यहाँ ऐसा ही वातावरण रहता है। अब प्रश्न होता है दक्षिण की तरफ के क्षेत्रों में आपने जघन्य मध्यम और उत्तम भोग भूमि की चर्चा कर ली, अच्छा उत्तर की तरफ क्या व्यवस्था है? तो अगले सूत्र में कहा गया है देखें जरा, तथोत्तरा। बोलिए तथोत्तरा। संधि विच्छेद हमने किया तथा उत्तरा, तथा माने उसी प्रकार उत्तर में भी जानना। तथोत्तरा अर्थात जैसी व्यवस्था हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः हमने दक्षिण में बताई है, उसी प्रकार की व्यवस्था उत्तर में भी जानना। किस प्रकार जानना?
आइए इसे नक्शे में देखते हैं। जिस प्रकार दक्षिण में हमने ये भरत क्षेत्र कर्म भूमि बताई थी और ये जघन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, ये उत्तम भोग भूमि, उत्तर में चलेगा तो ये उत्तम भोग भूमि, रम्य क्षेत्र मध्यम भोग भूमि, हैरण्यवत् क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है और ये कर्म भूमि है। तथोत्तराः जैसा हमने इधर बताया है उसी प्रकार इधर भी जानना, अर्थात उत्तर में भी ये उत्तम भोग भूमि 3 पल्ली की आयु, मध्यम भोग भूमि 2 पल्ली की आयु और हैरण्यवत् क्षेत्र में 1 पल्ली की आयु वाले मनुष्य और त्रयंच रहते हैं। आज की पाठशाला में हमने क्या क्या समझा? हमने पूरा काल चक्र समझा, कैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा काल अपसर्पणी का और उत्सर्पणी का होता है, प्रलय कैसे होती है, अपसर्पणी के चौथे काल में उत्सर्पणी के तीसरे काल में त्रिशरा का पुरुष होते हैं, मृच खंडों में विजयाग पर्वतों पर कैसा वहां काल चक्र या कालक्रम कैसा रहता है, अन्य और क्षेत्रों में जघन्य मध्यम उत्तम भोग भूमि कहाँ रहती है, ये सब चर्चा आज हो गई दक्षिण और उत्तर की। शेष चर्चा अब अगले दिन करेंगे क्योंकि अब आपका समय पूरा हो गया। जय श्री।